जिले में डेंगू का प्रकोप कहर बरपा रहा है, वहीं जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। ओपीडी में डॉक्टरों के नदारद रहने की शिकायतों के बाद कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने औचक निरीक्षण करने के बाद 16 डॉक्टरों को शॉकेज नोटिस किया है, वहीं 3 नर्सों को निलंबित भी कर दिया है। और आपको बता दें, जिला अस्पताल में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, एडीएम घनश्याम धनगर द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जहां जिले में डेंगू के मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं, वहीं ओपीडी में लोगों की कतारें लग रही है। ऐसे में डॉक्टरों के नहीं मिलने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, कई शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने औचक निरीक्षण किया और ये सख्त कार्रवाई उन्होंने की। मुझे जिला अस्पताल के संबंध में शिकायत मिलती थी, कई डॉक्टर्स जो है ओपीडी टाइम में बाहर रहते हैं, और अभी जो मलेरिया और डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है, इसमें भी समस्याएं हैं। इसलिए आज मैंने अचानक निरीक्षण किया तो पाया काफी डॉक्टर गायब भी हैं, और इधर एएनएमटीसी में डेंगू मलेरिया के जो पेशेंट्स हैं, इनका जो इलाज चल रहा है, वहाँ पर भी कुछ व्यवस्था में भी कमी है। इन सभी को दुरुस्त कराने के लिए निरीक्षण किया हुआ है, और जो लापरवाही कर रहे हैं उनका कार्रवाई भी करेंगे और व्यवस्था भी ठीक कराएंगे।